बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, सबसे पहले तो मेरे दोस्तों को, स्टूडेंट्स को सबसे पहले जो है ना वो सलाम मैं पेश करता हूँ, अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी। और उसके बाद सबसे पहले ये देखें, आपने हाथ में मेरे मास्क देख रहे होंगे, ये भी मैंने उतारा है अभी, वैसे मैंने पहने ही हुआ था, तो आपको मैं थोड़ा सा बेवकूफ़ तो लग रहा होगा और थोड़ा सा जाहिल भी लग रहा होगा, क्योंकि मास्क तकरीबन यहाँ पर चाइना में सिचुएशन ये है कि तकरीबन 2-3 महीने हो गए हैं, तो तकरीबन जो है ना कोरोना वायरस की सिचुएशन तकरीबन काफ़ी हद तक एंड हो गई है और बिल्कुल डेली बेस पे जो केसेस हैं वो तकरीबन ना होने के बराबर हैं। लेकिन फिर भी अगर आप चाइनीज़ आवाम को देखेंगे या चाइनीज़ आम लोगों को देखेंगे, चाहे गरीब बंदे को या अमीर बंदे को, तो हर बंदे ने मास्क लगाया है। ये अगर स्टूडेंट ये जा रहा है अपनी ये लैब में तो ये मास्क लगा के जा रहा है, तो इसकी घर की तरफ से भी डायरेक्शन है, यूनिवर्सिटी की तरफ से भी डायरेक्शन है, और अथॉरिटीज़ ने कहा हुआ है कि भाई मास्क अगर नहीं पहनोगे तो फिर जो है ना डंडा है तोड़े नाल असं बड़ा बुरा करा। तो बाकी अगली बात मैं ये करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो सिचुएशन है वो काफ़ी हद तक सिचुएशन ख़राब हो चुकी है। आज जो है ना वो तकरीबन मेरे ख्याल से 1,20,000 केसेस जो है, मैं अभी रिसेंटली उसको ज़रा स्टडी कर रहा था, तो 1,20,000 केसेस तक हमारे पहुँच चुके हैं। तो बड़ी जी डेंजरस सिचुएशन है। तो सबसे पहले तो उन जाहिल लोगों के बारे में मेरा जो है वो पैगाम है, और बेवकूफ़ लोगों के बारे में जिन्होंने ये कह रहे हैं कि जी जो करा रहा है अमेरिका करा रहा है, या उसके अलावा जो कह रहे हैं कि जी बिल्कुल कोरोना एग्जिस्ट नहीं करता, तो सबसे पहले तो उनके लिए मेरा बड़ा सख्त पैगाम है कि शर्म आनी चाहिए उनको, और उन्होंने पाकिस्तान की आवाम को जो भी है ना वो भी बिल्कुल गुमराह किया है, और हमारा जो हुकूमत है उसका भी कसूर है। हुकूमत भी ये कह रही है घबराना नहीं है, और जो आवाम है वो भी अपनी तरफ से बिल्कुल जो अपनी सेफ्टी प्रिकॉशंस है अपनी फैमिली की, अपने बच्चों की या बड़े लोगों की बिल्कुल नहीं कर रही, और सिर्फ ये कहते हैं कि जी हमारी फैमिली में अगर कोई, जिस तरह अगर ये इसी तरह बात है कि अगर कहे कि बंदा कि हमारी फैमिली में कोई कैंसर का पेशेंट आएगा या टीबी का पेशेंट आएगा, तो तब हम जो है ना वो यकीन करेंगे कि कोरोना एग्जिस्ट करता है। अब मुझे तो बिल्कुल ये वाली बात नहीं समझ आती कि दुनिया में सब कुछ, सारी दुनिया झूठ बोल रही है जी, ऑस्ट्रेलिया झूठ बोल रहा है, अमेरिका झूठ बोल रहा है, ईरान झूठ बोल रहा है, अमेरिका सारे के सारे, दुनिया के सारे, चलो भूटान तो सही बोल रहा होगा यार, नेपाल तो सही बोल रहा होगा, इस तरह तो नहीं बंदा कह सकता कि यार दुनिया के सारे ममालिक झूठ बोल रहे हैं और बिल्कुल ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। तो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, तो प्लीज़ कम अज़ कम ये जो है ना वो इस तरह के मैसेजेस बिल्कुल गुमराह ना करें लोगों को, और बिल्कुल इसको सीरियस लें लोगों की जो है ना। बाकी सारे कंट्रीज़ में, इटली में या सारी दुनिया में ऐसे ही हुआ है, तकरीबन 1,00,000 से केसेस जब अगर बढ़े हैं या 2,00,000 या 2.5 लाख हुए हैं, लेकिन उन्होंने स्ट्रिक्ट मेजर्स लेके या आवाम ने भी सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके उसको कंट्रोल किया है। तो हमारे, मुझे पाकिस्तान के अंदर ज़रा इस तरह की सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। तो मेरा अपने स्टूडेंट्स को भी, दोस्तों को भी, फैमिली को भी यही पैगाम है। तो सबसे, अब तो जो वक्त था तो डेफिनेटली वो एक विंडो होती है, नैरो विंडो, वो तो गुजर चुकी है। तो अब मेरा अपने दोस्तों को या स्टूडेंट्स को पैगाम ये है कि अपना ख्याल रखें ढेर सारा, और सिर्फ यही हो सकता है कि आप सिर्फ घरों में जो है ना वो लॉकडाउन खुद अपने आप को करें, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो कह दिया है कि भाई सब कुछ खोल दिया, ये सिस्टम कर दिया, लेकिन आप अपने आप को लॉकडाउन में रखें। और बिल्कुल, क्योंकि अभी ये पिछले दिनों कोई लाहौर की भी रिपोर्ट में, गवर्नमेंट की रिपोर्ट पढ़ा था कि 6,70,000 केसेज तो सिर्फ वो लाहौर में उन्होंने गवर्नमेंट की रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि वहाँ पर हैं, तो केसेस तो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अब एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ भी हो रहे हैं पाकिस्तान में भी, डेली बेस पे 5,000-6,000 केसेस जो है ना वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो पाकिस्तान और इंडिया का माशाल्लाह नंबर जो है वो बिल्कुल टॉप पे जा रहा है नंबर। तो लेकिन अब पैगाम यही है एंड पे, यही है कि आप अपना ख्याल रखें ढेर सारा, और बिल्कुल घरों में रहें, और बिल्कुल अपने आप को स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कर लें, और फैमिलीज़ को, स्पेशली जो बुज़ुर्गों को और बच्चों को, तो बिल्कुल घर से बाहर ना निकालें। और कभी कभी अगर महीने में 1 या 2 दफ़ा आपको सामान लेने के जाने की ज़रूरत होती है तो आप लेके जाएँ, क्योंकि अगले 2 या 3 महीने आपके लिए बड़े मुश्किल होंगे। तो बाकी जो है इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी आपको जो भी होगा दुनिया से रिलेटेड या चाइना से रिलेटेड भी अपडेट करूँगा, लेकिन अभी मैं खुद भी बड़ा परेशान हूँ अपनी फैमिली के बारे में या अपने पाकिस्तानी दोस्तों के बारे में या स्टूडेंट्स के बारे में। और मैं तो ये, आप देखिए ये चाइना में सिचुएशन, मैं आपको ये थोड़ा सा दिखाना चाह रहा हूँ, ये बिल्डिंग है और यहाँ पर तकरीबन ज़िंदगी काफ़ी हद तक वापस लौट आई है, लेकिन आप ये मास्क वगैरह देखेंगे लोग बिल्कुल मास्क की उसी तरह पहन रहे हैं जिस तरह के कोरोना सिचुएशन की चल रही है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि दुनिया पागल तो नहीं है या दुनिया जाहिल तो नहीं है, तो कम से कम ये जाहिलियत को और ये बिल्कुल इस चीज़ को छोड़ें और अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।